हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। आज की इस वीडियो में हम रिलेशनशिप और पार्टनर से रिलेटेड कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बाय योर पार्टनर। पार्टनर एक एजेंट की तरह अगर कोई रिप्रेजेंटेशन करता है तो वह फर्म को बाइंड करेगा, लेकिन वह रिप्रेजेंटेशन पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर। किसी भी प्रकार का बिजनेस से रिलेटेड नोटिस अगर एक्टिंग पार्टनर को दिया जाए तो यह मान लिया जाएगा कि नोटिस फर्म को दिया गया है, प्रोवाइडेड फ्रॉड टुवर्ड द फर्म इज नॉट कमिटेड बाय पार्टनर और थर्ड पार्टी। आइए नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टी। फर्स्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी। प्रत्येक पार्टनर फर्म के एक्ट के लिए ज्वाइंटली या फिर इंडिविजुअली लायबल होंगे। एंड नेक्स्ट है लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट और टॉर्ट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर की लायबिलिटी लॉस के अमाउंट जितनी होगी अगर वह लॉस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है और पार्टनर्स के अथॉरिटी पर हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं लायबिलिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन बाय योर पार्टनर। अगर पार्टनर थर्ड पार्टी से मनी रिसीव करता है और उसका मिस अप्रोप्रिएशन करता है, या फिर फर्म ने मनी रिसीव किया एंड पार्टनर्स मिस अप्लाई करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय योर पार्टनर। अगर कोई पार्टनर फर्म के ट्रांजेक्शन से फर्म के नेम में फर्म की प्रॉपर्टीज को यूज करके या फिर बिजनेस कॉम्पिटिशन के थ्रू किसी भी प्रकार का प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट को पार्टनर्स को फर्म को रिटर्न करना होगा। आइए नेक्स्ट पार्टनरशिप प्रॉपर्टीज के टॉपिक को समझते हैं। पार्टनरशिप प्रॉपर्टीज कंप्राइज करता है इनिशियल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस, ऑल प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एंड गुडविल। नाउ एक क्वेश्चन है कि अगर एक पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म के पर्पज के लिए यूज होता है तो क्या वह फर्म की प्रॉपर्टीज बन जाती है? सो आंसर इज नो, यह पार्टनर्स के एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल मीन्स ब्रांड वैल्यू एंड रेपुटेशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। इसे फर्म के बिजनेस के दौरान एक्वायर किया जाता है, इसलिए यह फर्म का प्रॉपर्टीज होता है। इसे अन्य असेट्स की तरह सेल भी किया जा सकता है। अगर गुडविल को सेल किया जाता है तो पार्टनर्स एंड गुडविल के बायर्स एक एग्रीमेंट करते हैं कि वे स्पेसिफाइड टाइम तक या किसी एक लोकल एरिया में कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। सो यह था रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स के कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स। आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।